नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कहीं रार है, कहीं तकरार है, फिर भी प्यार है, यही तो कहते हैं कि क्या राजनीति है जहां कोई भी अस्थाई रूप से दोस्त नहीं होता और ना ही दुश्मन होता है। हालांकि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और कांग्रेस ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में सहयोगी दल शिवसेना UBT की 23 सीटों की मांग खारिज कर दिया है। यह घटनाक्रम तब हुआ है जब नेताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सहयोगियों यानी कि शिवसेना, UBT, कांग्रेस और NCP के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा की है। दो गुटों में बटी शिवसेना ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 23 सीटों पर दावा किया है, बावजूद इसके कि उसके अधिकांश सदस्य एकनाथ शिंदे के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पार्टी के विभाजन के कारण उसके पास पर्याप्त उम्मीदवार भी नहीं है। देखिए, मेरा यह कहना है कि सीट शेयरिंग तो वैसे ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है, बहुत आसानी से सीट शेयरिंग का डिसीजन होने वाला नहीं है। ऐसे में जब इंडिया ब्लॉक के सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना अगर ये संकल्प है तो हम एक दूसरे से लड़ना बंद कर दें। शिवसेना ने जिस तरीके से, मैंने अखबारों के जरिए देखा कि जिस तरीके से डिमांड की है कि 23 सीटें चाहिए, 23 सीटें बहुत ज्यादा होती हैं। आउट ऑफ 48 23 सीटें आपको दे देंगे तो हम क्या लड़ेंगे? इस तरह से मांग पब्लिक में जाके करने के बजाय, अखबारों के जरिए करने के बजाय आप इंडिया के बैठकों में सारी बातें रख सकते हैं। सामना में कहने के बजाय आप इंडिया के बैठकों में रखिए। एक बहुत बड़ा सच ये है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है पर सच है, कि पिछले 1-1.5 सालों में शिवसेना बुरी तरह से बिखर गई, टूट गई। शिवसेना के कई बड़े बड़े नेता छोड़ करके चले गए, कई विधायक चले गए। जो 18 MP बोलते हैं उसमें पता नहीं कितने MP, एक दर्जन से ज्यादा MP उनके छोड़ के चले गए। यही हाल NCP का भी है, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन सच है NCP बिखर गई। अब शरद पवार जी, तो ऐसे में शिवसेना का अपना वोट बैंक कितना है इस समय करंट सिनेरियो में किसी को पता नहीं है। NCP के पास शरद पवार जी की कितनी फॉलोइंग वोट बच गए हैं अभी, ये किसी को पता नहीं है। और इस पूरे वातावरण में देखें तो कांग्रेस का वोट बैंक फिक्स है, वो पूरे देश को पता है कांग्रेस का कितना वोट बैंक है। हमारे पास वोट भी है, नेता भी है, कार्यकर्ता भी है, कोई बिखरावा नहीं है पार्टी में। तो ऐसे में कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करने के बजाय कांग्रेस के साथ टेबल पे बैठिए, चर्चा करिए और जो जीतने लायक सीटें हैं सभी पार्टियां पहले आपस में बांट लें, ये जीतने लायक कैंडिडेट है, जीतने लायक सीट है, हम लोग इतना पहले फाइनल करते हैं। उसके बाद जिन सीटों के ऊपर विवाद है उस पर आगे जाके 2-3 राउंड में चर्चा होगी और उसके बाद एक फैसला लिया जाएगा। लेकिन सभी पार्टियां अगर अपने अपने स्तर पर बोलेंगे हम इतने भी लड़ेंगे, हम इतने लड़ेंगे, तो इससे आगे जाकर के विवाद बढ़ेगा और वो इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी बात नहीं होगी। अब इसी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट की ओर से जवाब आया है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने कहा कि आज भी महाराष्ट्र में शिवसेना नंबर 1 पार्टी है, लोग शिवसेना और शरद पवार के पूर्ण समर्थन में हैं, सीट बंटवारे के मुद्दे पर MVM में बीच कोई मतभेद नहीं है, लोकसभा चुनाव में शिवसेना हमेशा 23 सीटों पर लड़ती रही है, सीट बंटवारे को लेकर हम कांग्रेस के निर्णय लेने वाले नेताओं के साथ सकारात्मक रूप से चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की जो ताकत है वो सबको मालूम है। शिवसेना आज भी महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी है, जनसमर्थन शिवसेना को है, शरद पवार साहब को है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम तीनों मिलकर यहां चुनाव लड़ रहे हैं और सीट शेयरिंग के मामले में 3 पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जरूर शिवसेना ने 23 सीटें का दावा किया है, लेकिन हम पहले से 23 सीटें लड़ते आए हैं ना यहाँ महाराष्ट्र में, हाँ हम लड़ते आए हैं 23 सीटें, तो उसमें गलत क्या है? और इस बारे में हमारी बातचीत दिल्ली के जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, जो महाराष्ट्र का भविष्य तय करेंगे कांग्रेस पार्टी का, उनसे सीधी बातचीत चल रही है, हम उनसे बात करेंगे ना। हमारी ये पहले से मांग रही है कि सीट शेयरिंग के ऊपर कांग्रेस के साथ हम दिल्ली में बात करेंगे, यहां बातचीत से कोई मतलब नहीं है, राज्य में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार किसी को नहीं है, सब खराब कर देते हैं बातचीत, तो हम बात करेंगे।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने कहा कि पार्टियों के बीच समायोजन की जरूरत है। उन्होंने कहा, हालांकि हर पार्टी सीटों की बड़ी हिस्सेदारी चाहती है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए शिवसेना 23 सीटों की मांग अत्यधिक है। 2019 में अविभाजित शिवसेना बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा थी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी अब एमवीए का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी भी शामिल है। जून 2022 में एकनाथ शिंदे और 40 अन्य विधायकों ने शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके बाद पार्टी में बड़ा विभाजन हुआ और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। इसके बाद शिंदे ने राज्य में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली और फिलहाल कहीं ना कहीं ये सरकार मजबूती से टिकी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन में, तो वहाँ सीट शेयरिंग को लेकर तकरार शुरू हो चुका है, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक और कहीं ना कहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी ये स्थिति देखने को मिल सकती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।